अर्टिगा द ब्रॉन्ज पैकेज जो स्टार्ट होता है 75,000 रुपये से, उसके बाद जो हमारा आ रहा है दैट इज़ द सिल्वर जो 1,00,000 रुपये का है, उसके ऊपर जो हमने देखा दैट्स अ गोल्ड पैकेज जो है 1.25। ये कार के अंदर जो हमने किया हुआ है इट्स द डायमंड पैकेज जो 1.5 लाख रुपीज़ की मॉडिफिकेशन हम अर्टिगा के ऊपर देखते हैं किस तरीके से हर एक वो एक्सेसरी लग्जरी लुक में और उसका लुक गाड़ी पे लगने के बाद ईच एंड एवरीथिंग साई ऑटो स्टाइल से हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को ओमेगा DRL से। सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द DRL। बाकी मार्केट में वंस अगेन ऑन एंड ऑफ मोड में खाली इस DRL का लुक देख सकते हैं जो 20 क्रिस्टल्स जो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बताया हुआ था जो 20 क्रिस्टल्स के साथ आती है। सी द लुक ऑफ द DRL स्पेशली मैग्मा ग्रे कलर पे फर्स्ट टाइम हमने लगाई है। गोल्ड रिंग के साथ इसका गेटअप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त आया हुआ है। 7,500 7,500 रुपये की पड़ती है जो DRL ये कार के अंदर हमने लगाई हुई है। 3,000 रुपये की गोल्ड रिंग है जो कंपनी के प्रोजेक्टर को इल्यूमिनेट कर दी है। एक 10,000 रुपये खर्चा है आपकी ही हेडलाइट में उसका लुक इस तरीके से आ जाता है। जो फॉग लैम्प्स हैं नीचे की तरफ हमने लगाई है द ट्राई रिंग LED फॉग लाइट जिसमें येलो लाइट भी है, बंद करके उसको चालू करें तो वाइट लाइट भी है। 3,500 रुपये की पड़ रही है बट ऑल टाइम फेवरेट एंड ज़बरदस्त लुक है जो इसके अंदर हमको मिलता है। DRLs हैं फोक लैम्प के बाजू में बट इसका ऑफ मोड पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को लुक दिखाना चाहूँगा एंड इसके इंडिकेटर्स देख सकते हैं कि जो ओमेगा DRLs हैं वो सुपर मैट्रिक्स इंडिकेटर हैं एंड जो फोक लैम्प के बाजू में DRLs हैं उनका भी गेटअप देख सकते हैं। 4,000 रुपये के रेंज की पड़ती है ऑफ करना। ऑफ जब ये ऑफ है ये 3 पैनलिंग्स के साथ आती है ब्लैक क्रोमियम एंड द मिल्की वाइट। किस तरीके से ये 3 लेयर DRL आती है आप लोग के सामने है। बाकी इसमें 2 लेयर भी अवेलेबल है वो सस्ती आती है बट दिस इज़ अ 3 लेयर जो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। फिर से मैं आप लोग को बोलूँगा खाली जब ऑन होती है एक्चुअली में जो ऑडी वगैरह में एक इंट्रोडक्शन है यू कैन जस्ट सी द फ्लो ऑफ द DRL। आगे का हमारा डिफ्यूज़र आ जाता है जो बॉडी कलर मैग्मा ग्रे विद द सिल्वर हाईलाइट के साथ है। किस तरीके से इस डिफ्यूज़र का गेटअप है गाड़ी के ऊपर देख सकते हैं जो 8,500 8,500 रुपये का पड़ता है आगे का जो हमने उसके अंदर लगाया हुआ है। साइड प्रोफाइल में आते हैं ये गाड़ी के व्हील कैप्स चारों टायर के चेंज करके द ऑल न्यू लॉन्च। हर वीडियो में एक न्यू व्हील कैप मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेड इन ताइवान के ही हमारे हैं बट किस तरीके से ओमेगा कॉन्सेप्ट में नवे नवे व्हील कैप्स लॉन्च हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। 3,500 3,500 रुपये के पड़ते हैं चारों टायर के मारुति के लोगों के साथ ये चीज़ आती है जो हमने लगाए हुए हैं। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल लुक मिरर डोर वाइज़र हैं जो फुल लेंथ पीछे तक आते हैं 1,500 रुपीज़ के रेंज के पड़ रहे हैं। क्रोमिंग का वर्क है विंडो पे 1,500 रुपीज़ के रेंज का पड़ रहा है एंड 1, 2, 3, 4 चार इधर एंड चार उधर 8 पीसेस का सेट पूरा आ रहा है। साइड में क्लैडिंग्स हमने लगाई है बाकी आप देखेंगे कि लोग बहुत सस्ती मोल्डिंग्स बेच रहे हैं। एक तो मोल्डिंग आती है जो शोरूम से लग के आती है वो तो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की आती है बट जो आफ्टर मार्केट है क्रोम भी छिलका निकल जाता है 3 महीने में। देखिए सस्ता रोए एक बार महंगा रोए बार बार वही चीज़ हम लोग बोलते हैं कि सस्ती जो चीज़ आती है उसकी क्वालिटी में दम नहीं है बट क्लैडिंग्स जो हैं ब्रॉड आती है बॉडी कलर आती है एंड किस तरीके से इसका मैग्मा ग्रे एंड सिल्वर पे लुक है आप लोग देख सकते हैं। 4,000 रुपये की रेंज की पड़ती है जो हमने इसके अंदर लगाई हुई है। कमिंग टू द क्रोमियम वर्क हैंडल्स में हमने किया है जो 1,000 रुपये के 1,000 रुपीज़ के रेंज का पड़ता है। ये गाड़ी में हमने टावर लाइट्स भी लगाई हैं जिसके पिलर लाइट्स भी हम बोलते हैं एंड एक्सटेंशन के साथ लगाई हुई है। बाकी मार्केट में आप देखेंगे कि खाली ये लाइट लगा दी ऊपर की बिल्कुल भी वो बात नहीं है। द पिलर लाइट विद द एक्सटेंशन के साथ हमने लगाई हुई है जिसमें 4,000 रुपये 4,000 रुपीज़ के पिलर्स हैं एंड जो टेल लैम्प के बाजू में एक्सटेंशन लाइट है
4000 रुपीज़ की पड़ती है, 8000 रुपीज़ के खर्चे में किस तरीके से ये लाइट आपकी ओरिजिनल पैनल में ही कस्टमाइज होती है, मतलब ये नहीं कि निकाल के दूसरा लगा दिया, जो कंपनी की लाइट है उसमें ही ये एलईडी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऊपर के पैनल्स आपके चेंज होते हैं। सो पिलर लाइट विथ एक्सटेंशन का लुक हम लोग देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं जो नीचे की तरफ आते हैं जो हमारे एरो स्टाइल में देख सकते हैं, डिफ्यूज़र्स हैं पीछे की तरफ जो फुल ब्लैक विथ क्रोमियम इंसर्ट्स के साथ है, 3500 3500 रुपये के रेंज के हमको पड़ रहे हैं जो पीछे के हमने लगाए हुए हैं। किस तरीके से ये कार का इंटीरियर हमने किया हुआ है, वंस अगेन द लग्जरी लाउंज इंटीरियर इसके अंदर हमने किया हुआ है। एक एक चीज़ से हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पैकेज में क्या क्या हमारे एलिमेंट्स कवर होते हैं। वन इज़ द सीट कवर, जो फर्स्ट मेन आपकी गाड़ी में आता है वो सीट कवर है जिस पे रोज़ हमको बैठना है, टॉप गियर ब्रांड के आते हैं। इसकी MRPs भी मैं अगर आप लोग से बात करूं, या आप लोग देख सकते हैं कि 23,575 के कवर्स ये पड़ते हैं, आफ्टर डिस्काउंट 18,000 के पड़ते हैं, बट कोई मुकाबला नहीं है। अभी कस्टमर का माइंडसेट क्या है, 14,000 में भी बाहर मिल रहा है, 15 में भी मिल रहा है, 13,000 में भी लोग बेच रहे हैं, तो क्यों ना एक बार सस्ते के चक्कर में जाया जाए। बट सस्ता जो है वो खाली बोलने के लिए बोल दिया कि एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, बट बिल्कुल भी नहीं। जब तक शॉप पे आके एक बार हाथ नहीं लगाओगे, इट्स अ ग्रेन लेस फैब्रिक। ग्रेन लेस का मतलब ये आपको ग्रेन्स नहीं है ज़रा भी, इट्स अ कम्प्लीटली प्लेन टेक्सचर जो हमको मिलता है, प्लस टॉप गियर ब्रांड का नाम जहाँ पे आ गया। एंड एक ही कंपनी है जो कवर भी बनाती है, मैट भी आपको देती है, स्टेयरिंग का भी लेदर रैप है, डोर में भी लेदर उसी कंपनी का है, बट जस्ट सी द फिनिशिंग। एंड काफ़ी लोग हैं सीट कवर लगा के गाड़ी को छोड़ दिया तो बस हो गया, वो चीज़ नहीं है। सीट कवर अगर हमने लगाया है तो स्टेयरिंग को भी हमने रैप किया हुआ है डुअल टोन में, जो हमारे कलर कॉम्बिनेशंस कवर में है, 2500 रुपये के रेंज का पड़ रहा है जो स्टेयरिंग का लेदर रैप है। जो डोर में भी लेदर वर्क हमने किया हुआ है, किस तरीके से चारों दरवाजे में लेदरिंग का वर्क है, 1000 रुपीज़ पर डोर, 4000 रुपये में चारों डोर पैनल्स हमारे लग जाते हैं। द सेट ऑफ 20 पीसेस की हमारी हमने लगाई हुई है स्टाइलिंग किट, 10 पीस तो मार्केट में हर कोई बेच रहा है, कि शोरूम में भी बिकते हैं कि डैशबोर्ड का, इधर का, इधर का, इधर का, पीछे का, बट जो एक्स्ट्रा 10 पीसेस हमने लगाए हुए हैं, किस तरीके से जो हमारी AC ग्रिल पहले मैट ब्लैक थी उसको हाई ग्लॉसी ब्लैक में हमने किया हुआ है, जो टच स्क्रीन का भी पैनल है उसको भी हमने किया हुआ है पियानो ब्लैक, जो स्पीडोमीटर का कर्व है उसको भी हमने पियानो ब्लैक किया हुआ है। सो ये जो डैशबोर्ड का गेटअप है, एक पियानो ब्लैक AC ग्रिल, एक पियानो ब्लैक टच स्क्रीन प्लेयर, एक पियानो ब्लैक फ्रेम, एंड एक जस्ट सी द इतनी जो डैशबोर्ड की विड्थ हमारी बढ़ जाती है किस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। 9000 रुपये के पड़ते हैं जो रेगुलर हमारे 10 पीसेस का सेट है, एंड ऊपर के जो है एक्स्ट्रा हमने लगाए हैं उसका 6000 एक्स्ट्रा उसके अंदर जाता है, सो 15000 रुपीज़ के रेंज की पड़ती है, बट इसका लुक हम लोग देख सकते हैं। एंड मैं वंस अगेन आप लोग को बोलूँगा, मार्केट में किट्स अवेलेबल हैं 8000 रुपये में, 7500 रुपये में, 7000 रुपये में, मैं भी आप लोग को दे दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आएंगे 7000 6500 वाला भी ऑप्शन आपको लगाऊंगा, बट मैं बेचता नहीं। जो किट है उसकी क्वालिटी, उसकी फिनिशिंग, उसके टेक्सचर्स आप लोग के सामने हैं, क्योंकि जो क्वालिटी है वो दिखती है, और जो सस्ता है वो भी वीडियो में ही आपको दिखेगा कि जो सस्ती चीज़ है वो सस्ती दिखती है। किस तरीके से फ्लोर लैमिनेशन हमने किया हुआ है, नीचे का 7D ब्रांड का आता है, एक ही ऐसा लैमिनेशन है जो 2 साल से हम कर रहे हैं, जो ग्रूविंग्स के साथ आता है, किधर भी धागा सिलाई ओपन आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये एक डबल पाइपिंग स्टिच वर्क आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है, 3500 3500 रुपये के रेंज का लैमिनेशन है, एंड उसके ऊपर टॉप गियर ब्रांड की ही हनीकॉम मैट्स हमने लगाई है, ये नहीं कि कोई रबर का टुकड़ा बिछा दिया या ग्रास हमने रख दी, टॉप गियर की स्पेशली डिज़ाइन फॉर एर्टिगा आती है जो कवर हमने लगाया है, लूज हनीकॉम्स ये आती है, जो 4000 रुपीज़ का सेट है, आगे की दो सेंटर रो एंड लास्ट रो, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स भी जो हमने लगाई हुई है डोम कट्स के साथ है। डोम कट हम लोग इतना क्यों ये बोलते हैं कि इसकी खाली फिनिशिंग
फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक चांद का कट यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस ये फोर लाइंस 1, 2, 3 एंड 4, इसका मज़ा ही अलग है। ख़राब नहीं होती है, लाइफ अच्छी है, मिरर है, एक पूरा का कांच है कि मेरी शक्ल इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। सो 2500 की स्कफ प्लेट्स आती हैं जो हमारी डोम कट में आती है। कमिंग टू द टच स्क्रीन प्लेयर, इसके अंदर जो हमने लगाया हुआ है नेट प्ले का 2GB रैम, 16GB मेमोरी, ऑफलाइन मैप्स जो बिना इंटरनेट के रास्ता दिखाने का सिस्टम है, ग्लोपंग का रिवर्स कैमरा एंड फैंटेस्टिक रिस्पॉन्स। किस तरीके से इतने वीडियोज़ में हम लोग देख रहे हैं तीन मेजर फंक्शंस जो बाकी मार्केट के प्लेयर्स में नहीं हैं, चाहे वो क्रॉस लिंक व्हील्स हो या एन नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, NV हो, हर उस कंपनी में ये फीचर्स नहीं हमको मिलते हैं जो नेटप्ले आपको ऑफर करता है। चाहे फर्स्ट इज़ द ऑफलाइन मैप जो बिना इंटरनेट के रास्ता दिखाने का सिस्टम है, सेकेंड इज़ द हाई फाई फंक्शंस। बाकी आप लोग इक्विलाइजर तो हर प्लेयर में देखेंगे, इक्विलाइजर मतलब वही साउंड की सेटिंग, बेस, मिड रेंज, बट जो इसके अंदर हमको मिल जाता है हाई फाई। हाई फाई का फंक्शन इस तरीके से है कि आपके कंपनी के ही स्पीकर वूफर के जैसा बजेंगे एक, और अगर आप स्पीकर चेंज करते हैं, हर्ट्स के लगाते हैं, तो वूफर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सो कंपनी के ही प्लेयर में थोड़ा और अच्छा इफेक्ट, कंपनी के ही स्पीकर्स में और अच्छा इफेक्ट चाहिए तो हाई फाई, एंड स्पीकर्स अगर आप चेंज करते हैं तो उसकी कोई बात ही नहीं है। किस तरीके से एक हाई फाई का फंक्शन, एक ऑफलाइन मैप का फंक्शन, एक लाइव टीवी का फंक्शन, जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वो इस ऐप में आप डायरेक्टली देख सकते हैं जो पिका शो का ऐप इसके अंदर आता है। सो थ्री मेजर थिंग्स जो नॉर्मल प्लेयर्स में नहीं आती है। किस तरीके से ग्लोपंग ब्रांड का ही रिवर्स कैमरा हम देखते हैं जो नंबर प्लेट के ऊपर लगता है, कोई बम्पर पे होल या ड्रिल वगैरह नहीं है, बट ग्लोपंग ब्रांड का कैमरा है, जो क्लैरिटी भी इसकी हम लोग देखेंगे 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ के रेंज का पड़ रहा है। कमिंग टू द डार्क, जो एम्बियंस लाइट ये गाड़ी के अंदर हमने सेटअप की हुई है, सी द क्वालिटी ऑफ द एम्बियंस लाइट। वंस अगेन 20 प्रोजेक्टर्स के साथ ये वाली लाइट आती है जो आपके हैंडल खोलने वाले एरिया को भी इल्यूमिनेट करती है, पाँव रखने वाले एरिया को भी इल्यूमिनेट करती है, बॉटल रखने एरिया को भी इल्यूमिनेट करती है, दरवाज़ों में भी एक स्ट्रिप का कर्व आ जाता है। एक एम्बियंस लाइट लगाने से एक लग्जरी कार का लुक आता है, क्योंकि जब हमारे कवर्स लग्जरी हैं टॉप गियर के, मैट्स लग्जरी है टॉप गियर की, सो एम्बियंस लाइट वो लग्जरी गेटअप आप लोग को देती है। गाड़ी में ज़बरदस्त लुक है जो आप लोग देख सकते हैं। जो सेट ऑफ 20 प्रोजेक्टर्स की हमारी आती है 12,000 रुपीज़ की पड़ती है, बट इसकी क्वालिटी हम लोग देख सकते हैं जो डोम लाइट्स कप होल्डर्स के अंदर हमने लगाई हैं 2500 की पड़ती है, जो फुट लाइट जहाँ पे पाँव हम रखते हैं 2000 रुपीज़ के रेंज की पड़ती है। कंपनी के जो बल्ब आते हैं हेलोजन, उन बल्ब्स को रिप्लेस करके LED बल्ब्स हमने लगाए हैं ट्विन कलर में, जिसमें येलो लाइट भी है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाइट लाइट अच्छे से अच्छी आप लगाइए बारिश में नहीं चलती है। सो येलो इज़ इफ़ेक्टिव इन द फॉग इन द रेनी सीज़न। 5000 रुपीज़ के बल्ब्स हैं जो LED में लगते हैं, जो हमारे हाई बीम में लगते हैं, एंड 7500 रुपये की HID है जो हमारे प्रोजेक्टर्स में लगती है। किस तरीके से 12,500 रुपये खर्चा है, बट आपकी जो लाइट विजिबिलिटी है कंपनी चेंज हो जाती है। सो हर उस एक्सेसरी का प्राइस के साथ मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोग को ज़रूर बता सकूं। रूफ रेल्स हैं जो हमारी XL6 डिज़ाइन में आती है, 3500 रुपीज़ के रेंज की पड़ रही है। स्पॉइलर है जो पीछे का हमने लगाया हुआ है, 2500 रुपये का पड़ रहा है, मार्केट में 1700, 1800, 1600 के भी आपको मिलेंगे। कलर पील ऑफ हो जाता है, पेंट की कोई गारंटी नहीं आती है, फिटमेंट्स भी नहीं आती है, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो हर बार की तरह लाइक ज़रूर करिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो डायमंड पैकेज है उसकी डिटेल्स किस तरीके से आप लोग को लगी है। पैनल हमने ब्लैक किया है पीछे का, जैसे XL6 में आता है, एक इल्यूमिनेटेड नंबर प्लेट के साथ इसको हमने ये किया हुआ है। सो दीपक जी भी है हमारे साथ, ओनर ऑफ द कार। 6 महीने पहले जब गाड़ी बुक की थी तब भी कोटेशन लेके गए थे, फिर सेकंड टाइम आए, फिर थर्ड टाइम आए, बजट सर ने बढ़ाया। वीडियोस क्योंकि इतने फॉलोअप किए थे, कम था बजट, 75,000 का ही था, उसको 1,00,000 पे लेके गए, 1.25 पे लेके गए, बट 1.5 तक लास्ट हमने सर को एक्सटेंड करके हर वो चीज़ जो हमने
दिखाई है, किस तरीके से लग्जरी लुक सर हमने गाड़ी में देखा हुआ है, वर्थ है कि नहीं वो 1.5 लाख रुपया जो मैंने आपसे लिया हुआ है जी? 1 रुपया भी लग रहा है कि यार थोड़ा ज्यादा लग गया कि नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। या उसका हमको नहीं लगाना चाहिए था? एक एक चीज जो लगी है आप खुद बताइए कि कैसी लग रही है गाड़ी के अंदर। गाड़ी में जो जो चीज़ें लगी है वो पूरा मेरा एक एक पैसा वसूल हुआ है। मैं शाम को 6 बजे आया था, फिर भी रोहित सर ने मुझे बोला कि मैं आपकी गाड़ी करके दूंगा, और यही जो विश्वास है इसके वजह से मैं साई ऑटो में आया हूँ। इससे पहले भी मैं आके गया हूँ, उसके वजह से बहुत सारा टाइम मैंने मुझे गाड़ी मिली नहीं थी, 6 महीने बाद गाड़ी मिली, फिर भी मैं साई ऑटो में आया हूँ। ये विश्वास है वही मुझे यहाँ पे लेके आया है। और कैसी लग्जरी हमारी जो स्पेशली DRL है आज जो मैग्मा ग्रे पे लगाई है, awesome. जो व्हील कैप हमने लगाए हैं, जो एम्बियंस लाइट हमने लगाई है, जो एक्सटेंशन हमने लगाए हैं, कुछ ना कुछ अलग हमने उसके अंदर किया हुआ। ओके सर जी, सर थैंक यू करेंगे आपको फिर से, एंड लाइक जरूर करिए वीडियो को, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और रोहित भाई को हेलो फिर से फॉलो कीजिए, और वीडियो को हमेशा देखते रहिए, नए से नए वीडियो, नए से नए मॉडिफिकेशंस वो लाते रहते हैं, आप अपडेट रहेंगे तो फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।